नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। ये इलाके मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। पूरा भारत बंद है। महागठबंधन की तरफ से नरेंद्र मोदी ने जो संविधान में छेड़छाड़ किया है, जो आरक्षण विरोधी काम किया है, इसके लिए पूरे महागठबंधन के लोग हम लोग आज इसका घनघोर विरोध कर रहे हैं। और आरक्षण पहले, जनगणना पहले चालू करो और तब आरक्षण लागू करो। जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यही कार्यक्रम के लिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। और हम लोग तब तक आवाज़ इसको बुलंद रखेंगे जब तक कि आरक्षण का जो हम लोग का रोस्टर खत्म किया इसको वापस न ले। नाम बताइए। डॉक्टर त्रिवेणी यादव, उपाध्यक्ष जिला राजद जमुई। और साथ हमारे संविधान के साथ जो हमारे पूर्वज बाबा साहब आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान लिखे हैं, उस संविधान के साथ जो भी सरकार नरेंद्र मोदी हो या एनडीए की सरकार हो अगर छेड़छाड़ करेगा तो पूरे भारतवर्ष के नौजवान गरीब दलित सब मिल करके ईंट से ईंट बजा देंगे और इस बार नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। महागठबंधन की बहुत भारी जीत होगी और एक चुटा बना करके महागठबंधन का सरकार इस बार केंद्र में बनेगा। और उसी के लिए हम लोग संविधान बचाओ संघर्ष के लिए एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन और बंद का आयोजन किए हैं। और ये पूरे जम्मू जिला नहीं, पूरे भारतवर्ष में है। इसमें सारे जो है महागठबंधन के लोग हम लोग के साथ हैं। गोपाल प्रसाद गुप्ता मेरा नाम हुआ, कानू महासभा के प्रदेश संयोजक है और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव पूर्व है।